Hello, students. Today you will learn LCM. Okay. So, what is LCM? LCM is the short form of least common multiple. Okay. So, I am going to teach you finding out LCM by common division method. Okay. So, let's take one example that is find the LCM of 18, 30, and 48. Okay. सो so, जैसे आप एच में फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही इसमें निकालोगे सो लेट्स सी कैसे करना है इसमें सो so, स्टूडेंट्स आप जैसे एच में फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही निकालना है बस उसमें क्या था आपको याद होगा कि 18 को हम अलग ऐसे फैक्टर्स निकालने के लिए रखते थे 30 को अलग और 48 को अलग ओके okay? बट इसमें हम लोग एक साथ इन तीनों नंबर्स को रखेंगे और वैसे ही फैक्टराइज करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्टार्टिंग होती है टू थ्री फाइव सेवन इलेवन ओके तो इन नंबर से ही सिर्फ हम इनको इनके फैक्टर्स निकालेंगे सो so, लेट्स स्टार्ट ये तीनों नंबर्स टू से डिवाइड होंगे डिसबिलिटी आपने लर्न की है तो आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा सो लेट्स सी येस ये तीनों नंबर्स टू से डिवाइड होंगे दिस इज टू नाइन ज़ा एटीन टू फिफ्टीन ज़ा थर्टी एंड टू ट्वेंटी फोर ज़ा फोर्टी एट ओके जब आप डिवाइड करोगे तो आपके ऐसे आंसर्स निकल आएंगे नाउ लेट्स नाइन इज डिजल बाई टू नो फिफ्टीन इज नो बट ट्वेंटी फोर डिवाइड हो जाएगा नाइन और फिफ्टीन टू से डिवाइड नहीं होंगे बट ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो हम लोग ट्वेंटी फ़ोर को टू से डिवाइड करेंगे सो टू वन जा टू 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 ज़ा फोर ओके और फिफ्टीन डिवाइड नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे Nine को और फिफ्टीन को एज इट इज नीचे उतार लेंगे ठीक है नाइन को नीचे लिख लिया को नीचे लिख लिया और ट्वेंटी फोर को जब हमने डिवाइड किया टू ओके आफ्टर दैट अभी भी ट्वेल्व टू से डिवाइड होगा सो टू सिक्स बट फिफ्टीन और नाइन नहीं होंगे तो इनको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे ओके आफ्टर दैट अभी भी सिक्स टू से डिवाइड होगा टू के टेबल में आता है ना टू थ्री सा सिक्स और फिफ्टीन और नाइन को हम नीचे उतार लेंगे ओके अब टू से इसमें कोई भी डिवाइड नहीं होंगे ये तीनों नंबर्स हैं तीनों में से थ्री नंबर्स टू से डिवाइड नहीं होंगे देन आफ्टर दैट विच नंबर कम्स थ्री आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज आप जरूर याद रखना कि आप चेक करते जाओ ठीक है ऐसा होता है कि लास्ट में हम डिवाइड करते जाते हैं फिर वापस से हमें टू से डिवाइड करना पड़ता है अगर हम चेक नहीं करते रैंडम जैसे कि अगर मैं यहाँ थ्री टू जिक्स कर देती तो टू वापस से रिपीट होता ओके तो मेरे कहने का यहाँ बेसिकली यही मतलब है कि आपने एक नंबर लिया है टू तो पहले आप चेक कर लो नेक्स्ट नंबर को देखने से पहले टू से एक भी छूटना नहीं चाहिए जितने स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में तब आप थ्री पे जाइए ओके सो दिस इज़ थ्री क्योंकि थ्री वन ज थ्री होगा थ्री थ्री जो नाइन होगा और थ्री फाइव जिफ्टीन ओके अभी भी कोई नंबर थ्री से डिवाइड होगा येस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री सो थ्री वन जो थ्री फाइव नीचे आ गया और वन ओके okay? अब कोई नंबर थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो थ्री के बाद में कौन सा नंबर आता है फाइव और यहां पर ये यह फाइव है तो फाइव से यह डिवाइड होगा सो फाइव वन जो ओके क्लियर हमें तब तक इनके फैक्टर्स निकालने हैं जब तक लास्ट में वन आ जाए ओके okay. जब तक लास्ट में वन ना आ जाए तब तक ही हमको इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं और ये देखिए लास्ट में वन आ गया सो ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया सॉरी फैक्टर्स निकालना कंप्लीट हुआ अब एल्सियम कैसे निकालोगे सो लेट्स सी सो आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए उसके बाद में आपको लिखना है एल्सीय ऑफ एटीन थर्टी एंड फोर्टी एट इज इक्वल टू जो भी ये फैक्टर्स हैं ये निकले ना फैक्टर्स ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ पर लिखने हैं ओके नाव सी ये जो फैक्टर्स थे हमने इनको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखा है टू 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 थ्री थ्री एंड फाइव ओके ये आपके फैक्टर्स निकले थे अब इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है okay? ओके जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे सो लेट सी टू टू जा फोर फोर टू जी एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन थ्री फोर्टी एट फोर्टी एट थ्री वन फोर्टी फोर एंड वन फोर्टी फोर फाइव जावन हंड्रेड ट्वेंटी एंड दिस इज योर आंसर ओके आपका एलसीयम निकला आपको प्रॉपरली आप इनको लिख के मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है मैंने ऐसे ही रीड करके बता दिया आप पूरा जहां पर भी आपको बिगर नंबर लगे काउंट करके जैसे भी मल्टीप्लाई करना है आपको ओके okay? मल्टीप्लाई करके ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा ओके okay? so सो यही तरीका है आपका एल्सीयम फाइंड आउट करने का पहले इनको जैसे कि एससी जैसे एच सी एफ में हम लोग अलग अलग फैक्टर्स निकालते थे एल सी एम में हमें एक साथ ही निकालना है और बस आपको उनके फैक्टर्स प्राइम नंबर से ही निकालना है ओके ये मैंने आपको एच सी एफ वाले वीडियो में बताया था आप उसमें प्रॉपरली देख लो कैसे फैक्टर्स निकालते हैं उसके बाद में इनकी डिजिलिटी वाला भी मैंने आपको सिखाया वो भी पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने उसके बाद में एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ओके सो तो इस वे से आप फैक्टर्स निकालोगे और उसके बाद में उनके फैक्टर्स को इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा ओके